हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल श्री टेलीकॉम। दोस्तों, मेरे पास रेडमी नोट प्रो 6 है जिसमें MI अकाउंट लगा हुआ है। ये देखिए, जैसे ये वाईफाई में है, जैसे मैं इसे बैक में क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं इसमें MI अकाउंट एक्टिवेट है। तो हम इसका MI अकाउंट का, अगर आपको पासवर्ड मालूम है तो आप इसे बाईपास कर सकते हैं। अगर आप इसका पासवर्ड मालूम नहीं है तो हम इसे इस अकाउंट को डिसेबल करेंगे परमानेंट के लिए। तो किस तरह आप कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीके से है। अगर आपके पास UMT डोंगल है तो आप इससे वन क्लिक में इसका जो MI अकाउंट है वो हटा सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप इसका MI अकाउंट है वो हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका जो बैक कवर है इसे आपने डिसेबल करना है, और डिसेबल करने के बाद आप इसे बैटरी कनेक्टर को निकाल दीजिएगा। और बैटरी कनेक्टर को निकालने के बाद आपको जो यहाँ पर जो टिप्स दिख रहे हैं, जो ऊपर के दो हैं, ये आपके टेस्ट पॉइंट है। तो इसे आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप इस डाटा केबल को इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। और कनेक्ट करने के बाद आप जो इसका जो दूसरा सिरा है तभी आप अपने लैपटॉप पर कनेक्ट कीजिएगा, पहले आप इसे शॉर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जो ये दोनों टेस्ट पॉइंट है इसे मैंने शॉर्ट कर रखा हुआ है। अब दूसरे को मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए, आपको एक साउंड सुना होगा जो हमारा ड्राइवर है ये लैपटॉप पर इंस्टॉल हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं डिवाइस मैनेजर को ओपन करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, इसमें कॉलकॉम QD लोजन 9008 इसमें जो पोर्ट है ये बन चुका है। तो उसके बाद जो ये UMT डोंगल है इसे मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। तो आपको UMT का QC फायर जो सेटअप है इसे आपने ओपन करना है। देखिए, QC फायर टूल है। देखिए, जो टूल है ये हमारा ओपन हो चुका है। ये अभी अपडेट आया था 7, तो इसमें हम करके देखते हैं। ये देखिए, शो मी स्पेशल में आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं MI अकाउंट न्यू पे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए, जो हमारा फ़ोन था वो कनेक्ट था, आप देख सकते हैं। इसका MI अकाउंट है ये हट चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे Xiaomi Redmi Note 6 Pro। तो चलिए मैं जो इसे डिसकनेक्ट करता हूँ, उसके बाद हम इसमें बैटरी कनेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इसमें ऑन करता हूँ। इसमें जो FRP है वो हम इसका बाईपास करेंगे। FRP को बाईपास करने के लिए फिर हम वही प्रोसेस करेंगे। हमें FRP बाईपास करने के लिए हमें क्या करना है, इसका जो बैटरी कनेक्टर है फिर हमें डिसेबल करना है, और फ़ोन को हमें दोबारा कनेक्ट करना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था किस तरह आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके आपको दोनों टिप्स देखेंगे। आप दोनों टिप्स पे शोर करके इस डाटा केबल से कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए, फ़ोन जो हमारा है ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद फिर हम UMT टूल पे आएंगे, तो यहाँ पे हमें रीड टूल पे जाना है, और यहाँ पे हमें रीसेट FRP पे क्लिक करना है, और आपको ओके कर देना है। देखिए, Redmi Note 6 Pro रीसेट FRP डन। चलिए हम फ़ोन को दोबारा ऑन कर लेते हैं।
डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, बैटरी कनेक्ट लगाते हैं। जो हमारा फ़ोन है ये ऑन हो चुका है, प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। तो मैं एक बार इसे वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ कि जो इसका हमने MI अकाउंट हटाया था वो परमानेंट के लिए डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं इसे वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए फ़ोन जो है हमारा वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। कई बार कुछ ऐसी वीडियो बन जाती है जिससे हम टूल से MI अकाउंट हटा देते हैं लेकिन वो परमानेंट के लिए डिलीट नहीं होता है। जैसे हम उसे वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो वो फिर दोबारा अकाउंट लग जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे वाईफाई से कनेक्ट कर चुका हूँ, तो अभी तक देख सकते हैं इसमें कोई भी FRP या MI अकाउंट तो नहीं लगा हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। देख सकते हैं Redmi Note 6 Pro। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।